पानी जीवन की बड़ी जरूरत है। पानी के बिना जीवन मुमकिन नहीं। पहाड़ों से बहकर आई ये नदियाँ या जमीन से निकला पानी हमारी जरूरत पूरी करता है और पानी का संकट कोई छिपी बात नहीं है। अब आप सोचिए कि हवा से पानी मिलने लगे तो कैसा होगा। किसी नदी नाले की जरूरत नहीं, जब मन हुआ हवा से पानी बना लिया। कैसा होगा अगर एक ऐसी मशीन हो जिसको आप हवा में रख दीजिए, वो बदले में शुद्ध पानी दे। एक दो बोतल नहीं बल्कि एक दिन में 50 लीटर तक शुद्ध पानी। सुनने में ये आइडिया थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन ऐसी मशीन बनाने का दावा किया है चेन्नई के इंजीनियर कुमार लोगनाथन ने। अमेरिका की कोलोराडो टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद कुमार लोगनाथन ने कुछ ऐसा करने की ठानी जो लोगों के काम आ सके, और उसी कोशिश में इन्होंने ये मशीन तैयार की है जिसका नाम है एयर टू वाटर कन्वर्टर, यानी हवा से पानी बनाने वाली मशीन। दिस इज आवर डोमेस्टिक वर्जन। नाउ आई हैव डेवलप्ड अ थर्ड वर्जन व्हिच इज 50 लीटर्स पर डे व्हिच इज प्रोसेस्ड बाय अ शीट मेटल प्रोसेस। लोगनाथन की इस मशीन को लेकर आजकल चेन्नई में लोगों के बीच खूब कौतूहल है। लोग हैरान हैं कि कैसे एक मशीन हवा से पानी बना सकती है। ये मशीन दिखने में बिल्कुल किसी वाटर कूलर की तरह है। कुमार लोगनाथन का दावा है कि यह हवा से बनाए पानी को फिल्टर भी करती है। Here you can see the air is getting sucked on this side. The air is getting passed here. It has a filters and everything. And the air is getting discharged on the other side here. In between we have Kumar's loop which condenses the air into water. And where the water is getting filtered is here. Here you can see the different stages of water is getting filtered. This is a 5-stage filtration process. In the higher version, the domestic and the international version, that you don't have to use filters. Especially for the agriculture, you don't have to use the filters. But for the domestic version, you have to use a filter for the taste. इंजीनियर के मुताबिक अगर हवा में नमी 24% से भी कम हो तो भी ये मशीन पानी बनाने का काम कर सकती है। ये अलग बात है कि नमी कम होने पर मशीन ज्यादा वक्त में कम पानी बना पाएगी। कुमार लोगनाथन ने अभी मशीन के 3 वर्जन तैयार किए हैं, जिसमें सबसे अच्छे वर्जन से रोज 50 लीटर पानी मिलने का दावा है। टीम न्यूज नेशन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे काम करती होगी ये मशीन? मशीन में ऐसा आखिर है क्या और क्या जादू है कि हवा भी पानी बन जाता है? जाने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। कितना मुफीद हो सकता है हवा से पानी बनाना? हवा हर जगह होती है, अगर ये कोशिश कारगर रही तो कहीं पीने के पानी की कमी नहीं रहेगी। तो आखिर कैसे काम करती होगी ये मशीन? कैसे हवा से पानी बन जाता है? हवा से पानी बनाना कोई अजूबा नहीं है, एक सीधे से वैज्ञानिक फॉर्मूले से पानी बन जाता है। इसके लिए आप पहले बारिश होने की वजह को समझिए। बारिश में ऊपर से जो पानी गिरता है वो दरअसल जमीन का ही पानी होता है, जो भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ता है। नदी, नालों या समुद्र का पानी गर्मी की वजह से भाप बन जाता है। भाप ऊपर उठता है लेकिन ऊंचाई पर तापमान कम होता है, तो पानी के अणु फिर नजदीक आकर बादल की शक्ल ले लेते हैं। ये बादल आपस में टकराकर बूंदों के रूप में जमीन पर गिरते हैं। हम इसी को बारिश कहते हैं, यानी वाष्प को पानी में तब्दील करती है। कैसे करती है इस आसान तरीके से समझिए। एक कटोरी अगर पानी आप उबालेंगे तो पानी भाप बनने में लग जाएगा। अब अगर एक ठंडी सतह को भाप के सामने लाएंगे तो भाप बूंदों की शक्ल लेने लगेगी। हमारे चारों तरफ जो हवा होती है उसमें वाष्प या नमी भी होती है, यानी हम पानी की बहुत छोटी बूंदों के बीच ही रहते हैं। वो पानी की बूंदें हमारे काम नहीं आ सकती, लेकिन अगर उन बूंदों को ठंडा कर एक जगह संचित कर लिया जाए तो उस पानी को हम काम में ला सकते हैं। हमारी थोड़ी सी सूझबूझ जिंदगी की बड़ी मुश्किल आसान कर सकती है। ये मशीन वातावरण की उसी नमी को ठंडा कर पानी में तब्दील कर देती है। कुमार लोगनाथन की मशीन में लगाया कंप्रेसर वातावरण से सोखी गई हवा को ज्यादा दबाव पर कंप्रेस करता है, और कंडीशनर इसको और ठंडा करता है, जिससे पानी के अणु नजदीक आकर पानी में तब्दील हो जाते हैं। असल में ड्यूअल साइकिल मशीन है, जिसमें रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग दो साइकिल को मिला के कंबाइंड साइकिल सिंगल कंप्रेसर से ऑपरेट करती है। तो एयर कंडीशनिंग का और रेफ्रिजरेशन का, ये दो का कंडेंसेट कॉमनली कलेक्ट होता है। चेन्नई के इंजीनियर की मशीन बिल्कुल एक एयर कंडीशनर की तरह काम करती है,
मशीन में कंप्रेसर और कंडीशनर को इतना बढ़ाया गया है कि पानी ठंडा तो होगा ही, एक छोटे रूम का तापमान भी कम कर सकता है। Let me show you how the sensor works. Here, when you keep the glass here, you can see the water is coming. Yeah, this is how it works. When I keep the glass here, the water is flowing. Yeah. Now you can see the glass is filled. You have a clean drinking water. And here you can see the sensor which show you how many water bottles are stored. And also the temperature and RH, everything will be saved here. कुमार लोगनाथन का दावा है कि ये मशीन कम लागत में दूर दराज के इलाकों में भी शुद्ध पानी का विकल्प बन सकता है। टीम न्यूज नेशन। क्या आपके शरीर की गर्मी से मोबाइल फोन चार्ज हो सकता है? यानी आप घड़ी की तरह कलाई पर चार्जर पहनो और आपका फोन चार्ज हो जाए। ऐसा ही आइडिया दिया है दिल्ली के 10वीं क्लास के एक छात्र ने। देखिए, मोबाइल का एक ऐसा चार्जर जिसको बिजली की जरूरत नहीं, जो शरीर की गर्मी से फोन चार्ज करेगा, घड़ी की तरह कलाई पर बंधा रहेगा, चलते फिरते भी आप फोन चार्ज कर पाएंगे। बैटरी डेड यानी फोन डेड। मोबाइल फोन, खासकर स्मार्टफोन को चार्जर की जरूरत ज्यादा होती है क्योंकि इसमें बैटरी ज्यादा खर्च होती है। करीब 34 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं, लेकिन जल्द खर्च होने वाली बैटरी यूजर्स के लिए परेशानी का सबब बनकर उभरी। ऐसे में अगर फोन यूज करने वालों के शरीर से ही फोन चार्ज हो जाए तो वो शायद सबसे बड़ा फीचर होने वाला है। और ऐसे ही फीचर वाला चार्जर इजाद किया है दिल्ली के एक छात्र वैभव ने। जी हाँ, एक ऐसा चार्जर है जिसको इन्होंने बॉडी हीट से बनाया है। ये सिर्फ आपको रिस्ट वॉच की तरह या किसी भी तरह से आप उसको पहनिए और इसके बाद जो आपकी बॉडी की हीट है वो निकल कर इस डिवाइस में जाएगी जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगी। उसके बाद ये जो है आपका डिवाइस चार्ज हो जाएगा। जैसे नॉर्मली जो हमारा मोबाइल चार्जिंग अडेप्टर होता है उससे हम जो जो चीज़ें चार्ज कर सकते हैं वो चीज़ें ये सारी चार्ज कर सकता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वातावरण का तापमान इससे कम से कम 10 डिग्री ज्यादा या कम हो तो छात्र का बनाया चार्जर खुद ब खुद काम करने लगेगा। हर मौसम में दिन भर में तापमान अलग अलग रहता है, यानी हर रोज तापमान शरीर के तापमान से कम तो जरूर रहेगा, इसीलिए आपका ये चार्जर रोज काम भी करेगा। जैसे बैंड है मेरा, इस बैंड में से एक USB डाटा केबल निकल के आ रही है जो आपको यहाँ पे लगानी है। इस डाटा केबल को लगाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक स्विच दे रखा है आपको, उस स्विच को ऑन करने के बाद, स्विच इसलिए लगाया फॉर सेफ्टी क्योंकि बाय चांसली क्या होता है, अंदर सर्किट्स चल रहे होते हैं, वर्किंग में होते हैं, सारे कैपेसिटर ट्रांजिस्टर जितने भी होंगे हमारे पास वो सब वर्किंग में चल रहे होंगे इस टाइम, इसलिए मैंने स्विच लगा रखा ताकि कट होता रहे, बीच में जनरेट होता रहे। इसलिए बाकी स्विच की मेरे को क्या था कि मेरे पे एक रेजिस्टेंस था नहीं, इसलिए मैंने इस स्विच की रेजिस्टिविटी मेरे से मैच हो गई उससे, तो मैंने इसलिए ज़्यादातर मेरे लिए उसके लिए यूज़ किया था। बाकी इसका कोई वैसे नहीं है। जब मैंने ये डाटा केबल आ रही है, डाटा केबल लगाने के बाद इसमें होगा तभी देखो। तो ये कितना चार्ज कर देता है, कितनी देर में? ये 15 से 20 मिनट में आराम से, मतलब 25 से 50% तक चार्ज कर देगा फोन को। इस तरह एक आम चार्जर की तरह ही ये फोन को चार्ज कर देगा। आम चार्जर को बिजली चाहिए होती है, लेकिन ये चार्जर चलता है शरीर की गर्मी से। ऐसा चार्जर दूरदराज के इलाकों में भी बेहद फायदेमंद हो सकता है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अपर्णा त्यागी, टीम न्यूज नेशन। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि शरीर की गर्मी से कैसे बिजली बन जाती है और आखिर क्या है इसके पीछे का साइंस, इसको समझने के लिए देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। बिजली पैदा करने वाले इंसानों का कॉन्सेप्ट हॉलीवुड की कई साइफाई फिल्मों में दिखाया गया है। टेली सीरियल शक्तिमान में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था, लेकिन ये सिर्फ कल्पना है। इनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, लेकिन शरीर के तापमान से फोन चार्ज होना कोई अजूबा नहीं, बल्कि ये एक वैज्ञानिक फॉर्मूले से होता है। तापमान से बिजली बनने से इस फॉर्मूले को थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई दो अलग अलग तरह के मेटल धातु के कुछ दो जंक्शन बनाए जाएं और उन जंक्शंस को
अलग अलग टेम्परेचर पे रखा जाए, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस हो, तो उससे होकर एक धारा बहने लगती है। इस इफेक्ट को थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसे सीबेक इफेक्ट भी कहते हैं। अमेरिका में सालों से इस पर रिसर्च हो रही है। स्वस्थ पुरुष 100 से 120 वाट बिजली पैदा कर सकते हैं। करीब 3 साल पहले दुनिया तब हैरान रह गई थी जब अमेरिका की प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स ने शरीर की गर्मी से काम करने वाला चार्जर बनाने का दावा किया था। ये चार्जर वातावरण का तापमान 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच रहने पर काम करता है। इसी फॉर्मूले पर चार्जर बनाने का दावा किया है छात्र वैभव ने भी। ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक जनरेट होता है इसके अंदर, जो थोड़ी हीट और थोड़ी कोल्डनेस को, मतलब ठंडा और गर्म को लेके साथ में लेके चलता है। उसके अंदर जब एक इफेक्ट तैयार होता है, वो हीट और कोल्ड की वजह से तैयार होता है। इसलिए छात्र ने प्लेटियर टाइल्स का इस्तेमाल किया है। इन प्लेटियर के दोनों तरफ अगर तापमान में अंतर होता है तो बिजली बनाने में ये प्लेट्स में मदद करती हैं। तापमान में अंतर से प्लेटियर प्लेट्स में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, जिससे बिजली बनती है। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पैदा वोल्टेज को मोबाइल के चार्जर तक पहुंचाकर फोन चार्ज किया जा सकता है। बॉडी का जो टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर अमूमन एटमोसफेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो दो टेम्परेचर हो गए, एक ज़्यादा और एक कम, तो उसे अगर हम अपने एक जंक्शन को अपने शरीर से लगाए रखें, दूसरा जंक्शन एटमॉस्फेयर में है, तो वो एक धारा देगी। अब रही बात चार्जर के लिए, तो चार्ज करने के लिए जो करंट की ज़रूरत होती है वो बहुत छोटे करंट की, वो मिली एम्पियर में वह करंट होती है, तो यह संभव है। वैभव ने बॉडी चार्जर का प्रोटोटाइप तैयार किया है। इसका आम इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है। इस फॉर्मूले पर पहले भी दुनिया भर में चार्जर तैयार किए जाते रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाए जा सके। इसलिए न्यूज नेशन ये पुष्टि नहीं कर सकता कि वैभव का बनाया हुआ ये चार्जर कितना कारगर साबित होगा। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अपर्णा त्यागी, टीम न्यूज नेशन। अपनी रोज रोज की परेशानियों से उबरने के लिए एक दिव्यांग ने एक ऐसी डिवाइस तैयार कर दिखाई है जो उनके साथ साथ हजारों और दिव्यांगों के भी काम आ सकती है। क्या है ये डिवाइस, इस रिपोर्ट में देखिए। दिव्यांगों को चलने में मदद करने वाला सस्ता सहारा, एक ऐसा नी कैलिपर जो कदमों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करके दिव्यांगों का सहारा बनेगा, जिसके बारे में दावा है कि बार बार लॉक या अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी के बुलंदशहर में अनीश खान को दिव्यांग होने की वजह से कृत्रिम पैर लगाकर चलने में दिक्कत होती थी। उनकी पत्नी भी ऐसी ही दिक्कत से परेशान थी। इसको दूर करने के लिए अनीश ने एक ऐसी चीज बना ली है जो उनके साथ साथ हजारों दिव्यांगों के काम आ सकती है। बेशक अनीश खान ने पढ़ाई ज्यादा नहीं करी, पर सपने बड़े बड़े देखे, और शायद यही कारण था कि उन्होंने सेल्फ एडजस्टिंग नी कैलिपर बनाया। इसको जब हम पहन कर चलेंगे तो ये तो मतलब 180 डिग्री पर सीधा रहेगा, बैंड नहीं होगा, ठीक है ना। और ये जो है पैर को पूरा सहारा देगा 180 डिग्री पर। और अगर मान लीजिए हमारा पैर 160 डिग्री पर आता है तो इसको सीधा करने, मतलब पूरा सीधा करने की कोशिश करेगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी के 2.21% लोग दिव्यांग हैं, यानी 2,68,00,000 लोग दिव्यांग हैं। इनमें से 20% ऐसे हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। इनमें अनीश खान भी शामिल हैं। हादसों की वजह से भी हर साल कई लोगों के पैर चले जाते हैं, जिनकी वजह से उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। भारत समेत दुनिया भर में दिव्यांगों की मदद के लिए कई तरह के उपकरण मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ज्यादातर दिव्यांग इन सुविधाओं को लेने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। अनीश के मुताबिक उनको भी नी कैलिपर सरकार की तरफ से मिला था, लेकिन ये इतना साधारण होता है कि पैर मोड़ने के लिए उनको बार बार अनलॉक और लॉक करना पड़ता था। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, तो अगर आपके पास वो पुराना वाला कैलिपर होता तो आपको लॉक खोलना पड़ता, दोनों हाथों से, मतलब दोनों हाथों से एक हाथ से लॉक खोलना पड़ता, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी, मतलब उठने बैठने में और कहीं जा रहे हैं सीढ़ियों पर चलने के लिए भी। हाँ, मतलब ज्यादा ऊंची सीढ़ी है तो उसमें खोलना पड़ता था लॉक। जो मेरे पास में रखा हुआ था ये कैलिपर, मैंने इसके मतलब सारे पुर्जे खोले और फिर इन पुर्जों में मतलब वेल्डिंग से इनको मतलब अलग अलग किया, मतलब और फिर इसको आपस में जोड़े, मतलब अपने डिजाइन से मैंने इसको डिजाइन बनाया पेपर पे, और फिर इसका मतलब मैकेनिकल सिस्टम बनाया कि भाई इसमें क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर गियर लगाया था अंदर गरारी, और फिर मैंने इसमें एक सपोर्टर लगाई जिससे सपोर्टर ये इसको मतलब इसके मूवमेंट को सीधा करने की कोशिश करता है।
इस सेल्फ एडजस्टिंग नी कैलिपर को पेटेंट कराने की तैयारी में है अनीश। अभी तक जो जितने भी कैलिपर बनते हैं वो सभी 0 डिग्री नी एक्सटेंशन पर लॉक होते हैं। इवन ड्यूरिंग वॉकिंग ऑल्सो दे लॉक सेल्फ, तो पेशेंट कैन नॉट वॉक विद दी फ्री नी ड्यूरिंग वॉकिंग। तो इसके अंदर एक खास बात तो एटलीस्ट ये है कि ड्यूरिंग साइकिलिंग इट्स ऑटोमेटिकली अनलॉक, ड्यूरिंग अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसमें उनको एक पैर की जरूरत है दूसरे की जरूरत नहीं है तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है अनीश खान का। अनीश ने अभी एक मॉडल के तौर पर खुद के लिए सेल्फ एडजस्टिंग नी कैलिपर बनाया है। इनको उम्मीद है कि जल्द ही ये दिव्यांगों तक पहुंचेगा। दिल्ली से सरगम पंत के साथ टीम न्यूज़ नेशन।